दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्मों के अगर सिर्फ नाम बताने आपको बोलूं तो आप बोल बोल कर थक जाएंगे, ये तो लाजमी है। लेकिन सवाल उठता है कि मैं आपसे ऐसा बोलूंगा क्यों? जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जिससे आप थक जाएं। मैं तो आपको बताऊंगा, अमिताभ बच्चन की उन्हीं फिल्मों की फेहरिस्त में एक फिल्म है जिसका नाम है कुली। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है 2 दिसंबर 1983 को रिलीज होने वाली बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्म कुली। दोस्तों, इतना तो मैं जरूर कहूंगा, ऐसा कोई भी फिल्मों का शौकीन नहीं होगा जो फिल्म कुली से परिचित नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में कुली फिल्म का एक गाना मैं आपको अभी सुनाऊंगा जिसे फिल्म देखने के बाद भी आपने सुना नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि गाने को बनाया क्यों गया था और फिर हटाया क्यों गया। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे मेम साहब, आपको तो दिखाई दे रहा होगा कैसा लगा है। दोस्तों, 1983 में रिलीज हुई फिल्म कुली के निर्माण के दौरान सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था जिससे उनकी जान पर बनाई थी। इस हादसे के बाद फिल्म की कहानी में काफी बदलाव किया गया और एक बेहतरीन गाने को फिल्म से हटा दिया गया। हम आपके बाप के इस मकान को अपने बाप का मकान समझकर आराम से रह जाएंगे। फिल्म में कुल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में पहले कुल 8 गाने रखे गए थे, लेकिन एक गाने को अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के बाद हटा दिया गया था। खाली हाथ लोग आते हैं जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। फिल्म के सेट पर एक फाइट सीन के दौरान 26 जुलाई 1982 को खलनायक पुनीत इसर ने अमिताभ बच्चन को एक ऐसा घूंसा मारा था जिससे अमिताभ बच्चन जाकर स्टील के मेज से बुरी तरह टकरा गए थे। इससे उनके पेट में गहरी चोट आई थी और फिर बड़ी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई गई थी। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग अमिताभ बच्चन के जीवन के लिए मन्नतें मांग रहे थे। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता क्या है ये तो सभी को मालूम था, लेकिन वो इस कदर लोगों के दिलों में बसते हैं ये उन्हीं दिनों पता चला था। हम का इस तक हुआ है यारो, हमरी कोई खबर। आपको बता दें, पहले कुली फिल्म के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन को मरना था और इसी सिचुएशन के लिए सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं गाने का सैड वर्जन रिकॉर्ड किया गया था और इस गीत को संगीत बद किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इस गीत को गाया था शब्बीर कुमार ने। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो आखिर क्यों इस गाने को हटाया गया? जैसा कि हमने बताया था कि अमिताभ बच्चन के किरदार को फिल्म की कहानी के अंत में मरना था, लेकिन फिल्म के निर्माता के द्वारा ये तय किया गया कि असल जीवन में वो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, इसलिए फिल्म में दर्शक उन्हें दोबारा मरते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने क्लाइमैक्स में बदलाव करते हुए अमिताभ बच्चन को जिंदा रखने का फैसला किया और सिचुएशन के जरिए शब्बीर कुमार की आवाज में जो गीत रिकॉर्ड किया गया था उसे फिल्माया नहीं गया। हालांकि यह गीत बहुत ही इमोशनल है दोस्तों। अपने वारात का यो जनाजा। अगर अमिताभ बच्चन को चोट नहीं लगी होती और फिल्म की मूल कहानी के अनुसार इस गाने को फिल्म में रखा जाता तो देखने वालों की आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन सबसे बड़े डायरेक्टर तो परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी मर्जी कुछ और थी, इसलिए कुली फिल्म के क्लाइमेक्स में बदलाव किया गया। इस वजह से ये गाना लोगों के सामने नहीं आ पाया। दोस्तों, क्या आपने ये गाना पहले सुना था?
क्या आपको यह गाना अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। चुरा के हम दोनों को